ड्रग मामले दे विच फसे अकाली दल दे सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया दे वलों मोहाली अदालत दे विच आत्म समर्पण कर दिता गया सी, पर इस सब दे विचाले मोहाली अदालत ने बिक्रम सिंह मजीठिया नू न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता। दसिया जा रहा है कि एक बंद कमरे दे विच काफी बहस तो बाद यह फैसला सुनाया गया। इस मौके वड्डे सवाल जवाब करदिया काफी देर उन्होंने कोलो पुछगिछ की गई है, जिस तो बाद 8 मार्च तक बिक्रम सिंह मजीठिया नू न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता गया। इस तो पहला काफी वार उन्होंने वालों जमानत अर्जी दाखिल की गई सी, पर जमानत अर्जी खारिज होने के मगरों सुप्रीम कोर्ट के वल उन्होंने वालों रुख किया गया, तो उत्थे ही उन्होंने जरूर राहत दी गई सी। दस दिए कि 49 पन्नियां की एक रिपोर्ट के विच FIR दर्ज हुई सी, ते जिस तों लैके इस मामले के विच सुनवाई भी होंदी रही, पर दूसरे पासे यह मामला लगातार पकड़ा नजर भी आया अते लगातार इस मामले के विच सियासत भी होंदी दिखा दी। विरोधी पार्टियां दे वल्लों लगातार सवाल चुके जा रहे सन अते इस मामले दे विच कारवाई दी मंग कीती जा रही सी। उत्थे तुहानू इह वी दस दिए कि अज ड्रग मामले दे विच फसे अकाली दल दे सीनियर आगू बिक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों अदालत दे विच सवेर तो ही आत्म समर्पण कर दिता गया सी, ते मजीठिया दे वल्लों एडिशनल सैशन जज SK सिंगला दी अदालत दे विच आत्म समर्पण किया गया। अदालत दे विच दोहां पक्षां दी बहस दे दौरान अदालत वल्लों स्टेट क्राइम ब्रांच नूं मजीठिया तों पुछगिछ दे लई समां दित्ता गया, जिस दे पिछों बिक्रम सिंह मजीठिया नूं ग्राउंड फ्लोर ते लियांदा गया ते गार्ड दे वल्लों कमरे दे विच बिठा दित्ता गया। मजीठिया तों जांच टीम ने अधिकारियां दे वल्लों इक कमरे दे विच पुछगिछ की गई है। जांच दी टीम दी अगवाई AIG बलराज सिंह कर रहे सन, ते जिस दी अगवाई दे विच पुछगिछ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।